बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान की राजनीति में एक अलग समीकरण आगे देखने को मिल सकता है। सिवान के चर्चित नेता और अपने बोल्ड बयानों से जाने जाने वाले टूना जी पांडे के बेटा शक्ति पांडे इस बार लोजपा रामविलास का पार्टी ज्वाइन कर लिया है। कल पटना में चिराग पासवान के मौजूदगी में लोजपा रामविलास का पार्टी ज्वाइन किए हैं। जानकारी के लिए बता दूं, टूना जी पांडे अभी भाजपा पार्टी में मौजूद हैं और उनके भाई छोटे यानी बच्चा जी पांडे बरहड़िया विधानसभा से विधायक हैं राजद पार्टी के द्वारा। तो कुल मिला के कहा जाए तो बिहार के राजनीति में एक ही परिवार के तीन पार्टी से जुड़ना एक आश्चर्यजनक की बात हो सकती है। ताकि टूना जी पांडे जानते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह भाजपा से गठबंधन लोजपा रामविलास का है और जिस तरह मीडिया में चर्चा चल रही है कि सिवान लोकसभा की सीट लोजपा अपने खाते में मांग रही है, उसी के मद्देनजर देखते हुए अपने बेटे को लोजपा रामविलास से ज्वाइन कराए हैं। यही नहीं, जो बरहड़िया विधानसभा का सीट है 2015 में लोजपा के पास थी, जिसमें कुछ हजार वोटों से उनके छोटे भाई बच्चा जी पांडे हार चुके थे। उसके बाद वाला जो चुनाव हुआ 2020 में, तब राजद ज्वाइन करके बच्चा जी पांडे चुनाव लड़े और शाम बहादुर सिंह को हरा कर चुनाव जीत गए। देखना होगा कि आगे क्या रणनीति हो टूना जी पांडे को। लेकिन वहीं जब शक्ति पांडे ने लोजपा रामविलास ज्वाइन किए तो मीडिया में बात करते करते घिर गए। उन्होंने कहा कि हमारे चाचा जी यानी बाचा जी पांडे खुद अपना गाड़ी दिए और गाड़ी पर साफ तौर पर विधायक लिखा हुआ है कि भतीजा जाओ तुम और जाके लोजपा रामविलास को ज्वाइन करो। अब इससे पूछा गया कि आखिर चाचा के काम से क्या आप संतुष्ट नहीं है कि आप आके लोजपा रामविलास ज्वाइन किए, आप राजद भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर शक्ति पांडे ने बयान देते हुए कहा कि हो सकता है कि भविष्य में चाचा भी इधर आ जाए। अब इससे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से बहड़िया विधानसभा के कार्यों को लेकर रिकॉर्ड है, तो आगे टिकट क्या बच्चा जी पांडे के खाते में जाएगा या कोई दूसरा उम्मीदवार राजद तय करेगी। अगर राजद तय दूसरा उम्मीदवार तय करती है तो साफ तौर पर यह देखा जाए तो लोजपा रामविलास से बच्चा जी पांडे फिर दोबारा बहड़िया विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। ताकि जानते हैं टूना जी पांडे की किधर हमें घूमना है और किधर हमें जाना है, वो अच्छी तरह से बिहार की राजनीति वो भांप के आगे चलते हैं। वो एक अनुभवी राजनीतिकार हैं, भले चुनाव जनता के बीच ना लड़े हों, एमएलसी चुनाव लड़े हों जिसमें जनप्रतिनिधि वोट करते हैं, लेकिन अनुभव कुछ खासा ज़्यादा ही रखते हैं टूना जी पांडे। अब देखना ये होगा कि शक्ति पांडे ऐसे ही में LLB कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा क्या वो राजनीति में आते हैं तो क्या चुनाव के लेकर और टिकट के लेकर दावेदारी चिराग पासवान के सामने पेश करते हैं या बस एक मोहरा बनकर पार्टी में बने रहते हैं। बने रहिए, सिवान की राजनीति पर हमारा खास करके नज़र रहेगी और क्या खबर निकल कर आती है सिवान की राजनीति से, ताकि 2024 के चुनाव है, ऐसे बहुत सारे चेहरे बाहर आएंगे और बहुत सारे चेहरे इधर से उधर भी जाएंगे। इन सब चेहरों पर हमारे नज़र खास करके बनी है। अगर हमारा इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।